तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश में इस वक्त लॉकडाउन आप देख ही रहे हैं लागू है और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशानियां श्रमिकों को हो रही हैं। प्रवासी मजदूरों का काम छिन गया है, मजदूरों के पास खाने पीने का सामान भी नहीं है और ऐसे में प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने शहर की ओर निकल पड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अजमेर दरगाह से लोगों को ला सकती हैं, लेकिन बाकियों को नहीं। सिर्फ यही नहीं, संबित पात्रा ने कांग्रेस शासित राज्य को मजदूरों की इस मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार बताया। जो बंगाल के लोग अन्य जगहों में फंसे हुए हैं, वहां से एक भी ट्रेन नहीं चलती है। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि बंगाल के सर्वाधिक श्रमिक किसी राज्य में पूरे हिंदुस्तान में है तो वो महाराष्ट्र में है। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र से बंगाल ने अभी तक एक भी ट्रेन चलने की अनुमति नहीं दी है, जिसका नतीजा हम बांद्रा में, जिसका नतीजा हम महाराष्ट्र के कई सड़कों पर आज हम देख रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? ममता बनर्जी जी को तुरंत प्रेस के सामने आकर न केवल बंगालियों से पूरे हिंदुस्तान में क्षमा मांगनी चाहिए, अपितु इस प्रकार के एक कम्युनल कलर से ये जो रिलीफ पहुंचाने की वो प्रयत्न कर रही है उस पर भी जवाब देना चाहिए। अजमेर दरगाह के लोगों को लाया गया, कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें भी लाना चाहिए। उत्तराखंड में भी फंसे हुए बंगालियों को लेकर आना चाहिए, यह भी ममता बनर्जी का ही दायित्व है। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आपने सुना ममता सरकार पर निशाना साधा और श्रमिकों की वापसी पर ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक रंग देने का भी आरोप लगाया। लेकिन हकीकत क्या है, इसे जानने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता एहसन अब्बास ने बंगाल के मजदूरों से बातचीत की। प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है और मुंबई में भी यही हाल है। लोग प्रवासी मजदूर हैं जो सड़कों पर पैदल निकल पड़े हैं, सिर पे सामान रखे हुए। आप ये बताइए कहाँ जा रहे हैं? हम पश्चिम बंगाल जा रहा हूँ पैदल चल के। अभी इधर का कोई बंदोबस्त नहीं है, कुछ नहीं है। ट्रेन दिएगा बोला, अपन फॉर्म भी दस्तक किया, वो फॉर्म बोलता है ममता सरकार बोलता है। अभी जो अमरनाथ जो पश्चिम बंगाल का आदमी है सब बाहर चला गया, अंदर आ गया। अभी कोई व्यवस्था का कोई ठिकाना नहीं, अपना को खाने का नहीं है, घर पे छोटा छोटा बच्चा है, वो लोग भी रो रहा है, अपने को जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। ये है दुख दर्द जो सड़कों पर निकले हैं प्रवासी भारतीय, प्रवासी मजदूर हैं मुंबई में। और किस तरह से फिर यहाँ पर एक थोड़े से पेड़ की साया थोड़ी मिल गई है तो यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर ले रहे हैं, लेकिन इनके सरों पर सामान और बिल्कुल भूखे प्यासे। और इन्हें अब कुछ पता नहीं क्या आखिर ट्रेन का मिलेगी। आप ये बताइए कि ये सड़कों से रास्तों से चलती जाएगी क्या? हाँ सर, चलते जाएगा, चलते जाएगा सर। कहाँ तक? बस अब जहाँ तक चलने सकेगा सब उतना तक चलेगा, फिर देखेगा क्या करेगा। बस कहाँ तक जाना है? जाना है तो बंगाल, बंगाल जाना है सब। बंगाल में कहाँ पर? ओ जाना है अपना बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बंगाल में, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जाना है बंगाल। आप क्या मालूम साहब, पैदल से तो कोई मालूम नहीं कितना दिन लगेगा नहीं लगेगा। हर राज्य का आदमी सब चला गया, लेकिन हम लोगों के लिए कोई ट्रेन भी हो या बस भी हो, लेकिन कुछ नहीं कर रहे किसी के लिए। हम इतना यार वो जो हेल्पलाइन नंबर लिया ना, एक हेल्पलाइन नंबर से हम फोन किया, लेकिन ये भी एक भी फोन नहीं आया। उसको बिजी हर टाइम बिजी लग होता है, हर टाइम वो 1070 दिया नंबर और एक्स नंबर, वो जो दिया व्हाट्सएप नंबर दिया, बहुत बहुत किया हम, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया। हम लोग खतरा जरूर है पैदल चलने में, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्या करें, रोजी रोटी नहीं रही और भूखे प्यासे रहने से बेहतर है कि वो अपने गांव की तरफ ही निकल पड़े। हालांकि इनके न ट्रेन का इंतजाम है न बसों का इंतजाम है, ये पैदल अपने सामानों को लेकर निकले हुए हैं। इन्हें खुद नहीं पता कि कितने दिनों में अपने घर पश्चिम बंगाल मुंबई से निकले हैं पहुंचेंगे। कैमरामैन मंगेश पंडे के साथ एहसन अब्बास, जी मीडिया मुंबई। न कोई घर न कोई ठिकाना, बस चलते जाना है। कर्नाटक के मंगलुरु में आज हजारों प्रवासी मजदूरों ने भी प्रदर्शन किया। ये सभी मजदूर झारखंड के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। मजदूरों ने सरकार से मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द घर वापस किया जाए। मजदूरों ने कहा कि उन्हें किसी और सुविधा की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सुरक्षित घर जाना चाहते हैं।
सर हम लोग टोटल इधर 1500 लोग हैं, तीन दिन से हम लोग टोटल इधर रुका हुआ है गांव जाने के लिए, हम लोग सिर्फ गांव जाने के लिए, हम लोग को उधर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग को गांव तक छोड़ दिया जाए और हम लोग इधर का कुछ भी सेवा आप लोग जो खाने पीने के लिए व्यवस्था चाहिए हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग गाँव जाना चाहते हैं। कर्नाटक सरकार से भी रिक्वेस्ट किया है और फिर झारखंड भी सरकार से रिक्वेस्ट किया था सर, लेकिन हम लोग इधर तीन दिन से है बोल रहा है, आज तक 12 बजे तक बोला था, आज 12 बजे भी नहीं आया, देखो अब शाम को बोला है, देखो शाम को भी आता है कि नहीं आता है। तो मेरा ही पैसा अभी टिकट का भाड़ा मांग रहा, कौन से देगा टिकट भाड़ा, बाबू घर चलाएगा, उसको मंत्री को देना चाहिए, अभी पब्लिक उधर मजदूर खट रहा है उसको पैसा देना चाहिए, उसको हैंड ओवर करना चाहिए, मेरा झारखंड का आदमी है तो मेरा पास आएगा, जब भी अपना आदमी बुला लिया उसके पास पैसा तो भी बुला लिया, 18 ट्रेन दिए क्यों क्या ट्रेन चाहिए, लेकिन झारखंड नहीं पहुंचाएगा सरकार तो रोड में सोएंगे मर जाएंगे लेकिन मिट जाएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन जाएंगे देख रहे हैं मजदूर कितने परेशान हैं। और आपको ये भी खबर दे दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि राज्य में मजदूरों की एंट्री करते ही उन्हें सबसे पहले खाना पानी दिया जाए। योगी ने अफसरों से कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके जिले में कोई भी व्यक्ति पैदल और बाइक से यात्रा न करे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सड़कों पर लगातार जो मजदूर हैं वो पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, साधन की वो तलाश करते रहते हैं कि किस जरिए वो अपने घर वापस लौटें। तो अब योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं अपने अफसरों को कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके जिले में कोई भी व्यक्ति कोई भी मजदूर पैदल और बाइक से यात्रा न करे और जैसे ही उनकी एंट्री हो उत्तर प्रदेश राज्य में उन मजदूरों को सबसे पहले खाना पानी दिया जाए। और आपको बता दें निजी कंपनियों और फैक्ट्री वगैरह को भी राहत दी गई है। लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों में स्टाफ को वेतन देने के सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है और आदेश दिया है कि इस बीच किसी कंपनी या फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बंद पड़ी हुई फैक्ट्री और निजी कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। किसी भी कंपनी या फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ इस बीच कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। तो सुप्रीम कोर्ट से ये बहुत बड़ी राहत, बंद पड़ी फैक्ट्रियों के लिए निजी कंपनियों के लिए केंद्र सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने और यह भी कहा है कि इस बीच किसी भी फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।